देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से कल हमारे देश की एजेंसी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली में बुलाया था, हमारे देश का संविधान हमारे देश की एजेंसियों को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए बुला सकती हैं, और ये उनका अधिकार है, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। संविधान ने हमारे देश की जो एजेंसियां उनको राइट्स दिया है। अब मैं आता हूं पनामा पेपर लीक मामले में और बच्चन फैमिली के बारे में। यहां पे आप देखेंगे कि भारत में ऐसी कई फैमिलियां हैं जो व्यापारिक जगत से हैं, राजनैतिक जगत से हैं, उन सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का इसमें नाम आया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चन फैमिली क्यों? चुनाव के टाइम में बच्चन फैमिली ही क्यों? अगर ईडी कार्रवाई करती है या और भी जो एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, तो ये सेलेक्टिव क्यों है? सेलेक्टिव क्यों है? ये चुनाव के टाइम में बच्चन फैमिली से उगाही करने का एक बहुत बड़ा सस्ता माध्यम बन गया है। आप एजेंसियों का यूज करिए, एजेंसियों को लगाइए, लोगों को परेशान करके उनसे उगाही करिए। और एक चीज बताता हूं, अमिताभ बच्चन और बच्चन फैमिली के बारे में, अमिताभ बच्चन का बोफोर्स में भी नाम आया था, लेकिन उनको क्लीन चिट मिली। अमिताभ बच्चन हमारे भारत की आन बान शान है। बच्चन, आदरणीय बच्चन जी का सभी लोग सम्मान करते हैं, और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी तो उनको भारत रत्न देने का भी पक्षधर है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि ये आदरणीय बच्चन जी इस मामले से भी क्लीन चिट लेकर के जाएंगे, क्योंकि पूरे देश को विश्वास है कि आदरणीय बच्चन जी देश के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। देखिए, आदरणीय बच्चन जी ने देश में सामाजिक जितने काम किए, निस्वार्थ भाव से, उन्होंने कहीं भी पैसा नहीं लिया। पोलियो के लिए इतना बड़ा काम किया, कितने स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने, कभी उन्होंने किसी से एक पैसे नहीं लिए। आदरणीय अमिताभ बच्चन जी वो हमारे आन बान शान है। हमारी पार्टी, हमारी पूरी पूरा भारत आदरणीय बच्चन जी के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, और सबको विश्वास है कि एक दिन बच्चन जी पूरा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। बच्चन जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आपकी पिक्चर थी तूफान, उसमें आपने एक डायलॉग मारा था कि तूफानों में पलने वाले आंधियों की चिंता नहीं किया करते, तो ये आंधियां हैं, उड़ करके निकल जाएंगी। आदरणीय बच्चन जी, आप तूफान हैं, ये आप कुछ नहीं कर पाएंगी। आप देश में जो है, देश के लिए प्रतिष्ठा का विषय, आप हमारे गौरव हैं, और पूरे देशवासियों का ब्लेस आपके साथ में है, हम सभी का ब्लेस आपके साथ में है। लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारे देश की एजेंसियां हैं, उनका आपकी फैमिली सहयोग करे, और सहयोग करते अपने आप को क्लीन चिट लेते हुए बाहर जाए, ऐसा मेरा मानना है। सर, 12 सांसदियों को जो है काफी महीने हो गए, उनका जो केस चल रहा है, उनको निलंबित किया गया है। आपकी क्या राय है इस पर कि सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये जो 12 सांसद निलंबित हुए हैं, ये विपक्ष के सांसद हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे मान्यवर लोग हैं, ये पब्लिक को संदेशा देंगे क्या? आप राज्यसभा में देखिए, आप लोकसभा में देखिए, इस प्रकार से लड़ते हैं जैसे भेड़िए लड़ते हैं। ये इन लोगों को मान्यवर कहने में भी आज हमारी पब्लिक शर्माती है। जो लोकतंत्र ने सांसदों को, विधायकों को जो पावर दिया है, ये उसका दुरुपयोग करते हैं। भाई, आप जब सांसद चलने नहीं दोगे, आप जब शोर शराबा मचाओगे, तो आपकी बात सुनेगा कौन? आपको शांति पूर्वक बैठ करके सांसद चलने देना है, शांति पूर्वक बैठ करके वहां पे अपनी बात पूरे तेजी के साथ रखनी है। आज परंपरा चल गई है, देखिए, ये परंपरा सी आ गई। इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं,
ऐसा लगता है समुन्दर पर्वत का मंथन ये लोग एक ही दिन में एक ही मिनट में कर देंगे। सांसद और विधायक इस प्रकार का कृत्य करते हैं कि पूरा विश्व देखता है उस मंदिर को। और मैं कहता हूं कि ऐसे सभी सांसदों पर, केवल इन विपक्षियों पर ही नहीं, जो पक्ष के भी सांसद हैं, अगर वो इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो सभापति को दो मुहा जो है फैसला नहीं करना है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको, पक्ष का जो सांसद है उसको भी बर्खास्त करना है। मैं इस प्रकार से कृत्य का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। सांसदों को सांसद की गरिमा बना करके रखना चाहिए, अपनी बात सलीनता के साथ रखना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि हाकी और डंडा लेके सब सांसद जाने लगेंगे। आज तो देखिए ना, आज ये जूते चप्पल उतारते हैं तो मार्शल को बुलाना पड़ता है। कल होगा क्या? कल ये हाकी और पिस्तौल लेके जाएंगे तो सांसद में आर्मी को लगाना पड़ेगा। अरे गरिमा बना के रखिए, आपको लोग शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि इस लोकतंत्र में इस प्रकार से आप लोग व्यवहार करते हैं। सांसदीय गरिमा का हर प्रकार से पालन होना चाहिए। मैंने पढ़ाई की है, मैं जानता हूं कि सांसद की गरिमा, और मैं आज आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में अगर राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी के जितने भी सांसद बनेंगे, हमारी पार्टी पूर्णतया सांसदीय गरिमा का पालन करेगी। शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को सांसद में भी उठाएंगे और जनता के बीच में भी उठाएंगे। यही लोकतंत्र की सादगी है।